नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मनुष्य का जीवन नरक बन जाता है। वो लगातार धन कमाने के बाद भी कर्ज में डूबता चला जाता है। धन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी आपके लाख मेहनत करने के बावजूद भी पैसा टिकता नहीं है और आप आर्थिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इसकी वजह कुंडली में मौजूद ग्रह होते हैं और इन ग्रहों की स्थिति खराब होने से व्यक्ति को एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ग्रह हैं जिसके कारण ऐसी हालत बनती है और इससे बचने का ज्योतिष में क्या उपाय है, तो क्या किया जाए इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर हम आपको रोज बताते हैं, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता है 0120715 3787, 0120715 3826। नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सवाल आप ले पाएंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ग्रहों की कमजोर स्थिति को लेकर। पैसा टिकता नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं आचार्य जी लोग, लेकिन पैसा कमा भी लेते हैं लेकिन वो पैसा टिकता ही नहीं है, तो ऐसे पैसे का क्या किया जाए। तो क्या ग्रहों की कमजोर स्थिति इसका कारण होती है और वो कौन कौन से ग्रह हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? देखिए, आज का प्रसंग आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रखा है। न्याय के देवता कर्म फलदाता शनि जो है सूर्य का सबसे बड़ा पुत्र है और ये न्याय के देवता कर्म फलदाता माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही पितृशत्रु भी होता है। शनि ग्रह को अशुभ या दुख का कारक ग्रह मानते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह बैठता है तो लंबे समय तक इस कारण व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष बना के बैठ जाता है और उसे कहते हैं साढ़े साती या दहिया, जो लंबे समय तक चलता है। बताना ये चाहते हैं कि शनि ग्रह की दृष्टि होने से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, बिजनेस में हानि होने लगती है, कानूनी मामले में फंसने लगता है, विवाह में अड़चन आदि का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक ही व्यक्ति को कर्ज में डूबो देता है। यानी शनि ग्रह आपको न्याय के देवता सूर्य के पुत्र है, वो व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं। या फिर कहें तो पितृदोष, पितृदोष से भी चंद्रश्री जी व्यक्ति कर्ज में आ जाता है। यहां तक कि व्यक्ति को कर्ज का बोझ इतना डुबो देता है कि कंगाल ही बन जाता है। शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल आपको शनि पर अर्पण करना चाहिए। एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु ग्रह को हम कठोर वाणी चुहा ये भी करा देता है, यात्राएं कराता है, चोरी कराने की भाव ला देता है और दुष्कर्म भी राहु करा देता है। त्वचा के रोग भी राहु से होते हैं। धार्मिक यात्राएं आदि का कारक ग्रह भी राहु को मान देता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर है अथवा दिखता है तो जातक नकारात्मक विचार करता है और नकारात्मकता उसके दिमाग में बैठ जाती है। आप बताए राहु के अशुभ स्वभाव होने के कारण शेष करना पड़ता है और वो नियमित रूप से आपकी जब ये स्थिति होती है तो राहु व्यक्ति को नियमित रूप से परेशान कर देता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राहु ग्रह है ये व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। राहु के कारण ही व्यक्ति सब कुछ नुकसान कर बैठता है। राहु उनके मैं एक राह से भटका दे उसी का नाम राहु है। अब आप बताना चाहेंगे कि मंगल ग्रह छठवें आठवें दसवें भाव में बैठता है तो निकल आता है, जाते कि जीवन में कर्ज काफी तेजी से बढ़ने लगता है। मंगल ग्रह की स्थिति को सही करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और सलाह लेकर के मुंडा करें।
वही आप बता दें, ग्रहों की स्थिति अमीर और गरीब दोनों में बनाती थी, राहु और शनि तीनों। अब आप चाहता हूं कि कुंडली का दूसरा भाव बदल गया है, अमीर और गरीब यहीं से वो बुद्धि पर दृष्टि पड़ने से व्यक्ति को की किल्लत समझ में ग्रहों की स्थिति जातक को कंगाल बना देती है। और आपको बताएं कि इससे निपटने के लिए विशेष तौर पर सोमवार के दिन आपको कच्चा दूध कुआ मिलाकर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के कारण मनुष्य कंगाल कैसे होता है। जब कुंडली में 11वें भाव में लाभ के घर का स्वामी छठे या आठवें भाव में बैठा होता है तो जातक हमेशा कर्ज की बोझ में दबा रहता है। आचार्य जी, मैं आपको बीच में माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज हम तक थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही, अगर आप अपना माइक चेक कर ले तो सही रहेगा। तो आचार्य जी आपको बता रहे थे कि वो कौन से ग्रह होते हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थिति बनती है कि आपके पैसा कमाने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी वो पैसा आपके पास टिकता नहीं है। ये जो ग्रहों की स्थिति है वो इस चीज का मुख्य कारण होती है। आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी आपको समाधान भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो कौन कौन से ग्रह होते हैं। कई बार आप कितनी भी मेहनत कर लेते हैं लेकिन आपको उसका परिणाम सही नहीं मिलता है, तो लाख परिणाम के बाद भी लोग निराश हो जाते हैं और ऐसी निराशा जो ज्योतिष में जो ग्रह होते हैं उसके प्रभाव से होती है कि आखिर वो ग्रह होते हैं जो ऐसी स्थिति बनाते हैं, ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी काम कर ले, लेकिन उसकी हालत जस की तस बनी रहती है। समस्याओं का, अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में इन ग्रहों की स्थिति को कैसे ठीक किया जाए ताकि जीवन में आने वाली जो मुश्किलें हैं उसे सही किया जाए, मनुष्य के जीवन नरक बना देती है ऐसे ग्रह, क्योंकि इनकी स्थिति बेहद खराब अगर होती है तो मनुष्य के जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लगातार धन कमाने के बाद भी वो कर्ज में डूबा रहता है और जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाता, और इसी को लेकर आचार्य जी हमें लगातार बता रहे हैं। आचार्य जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आचार्य जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रहों के साथ में हम ये देखते हैं कि कुंडली में दूसरे और 11वें भाव का स्वामी छठे आठवें और 12वें भाव में बैठ जाता है और मंगल राहु धन स्थान पर हो तो फिर गलत तरीके से धन संग्रह करता है। ऐसा धन कभी आबाद नहीं होता बल्कि बर्बाद ही होता है। कभी कभी जातक को इसके कारण कंगाल होना पड़ जाता है। इसलिए ये धन वाली जो बात है इसको बहुत ही महत्वपूर्णता से देखनी चाहिए और ग्रहों के आधार पर इसकी स्थिति ये होती है। आज हमारे यहाँ ये प्रसंग रखा चंद्रश्री जी ने जो सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं है जी। और अब बात करते हैं, कॉलर्स को ले लेते हैं एक एक करके, बड़े लंबे समय से कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं आचार्य जी। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए जी, बोलिए। बोलिए अपना नाम बताइए, अपना सवाल बताइए, आवाज आ रही है। लगता है कॉन्टेक्ट टूट गया आचार्य जी, दूसरे कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए जी। आवाज आ रही है, बोलिए, अब आराम से बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। आचार्य जी के चरणों में सर सर नमो, मैं अपनी पुत्री मुस्कान माथुर के लिए पूछना चाह रहा हूँ जी। तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1997, ठीक है, सुबह का 11:50 का जन्म है जी, और जन्म स्थान है जयपुर जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंडित जी, इसका शादी का योग कब बनेगा? ये अभी जैसे रिश्ते से आ रहे हैं, बात हो रही है लेकिन कहीं फाइनल नहीं हो पा रही है, उनकी तरफ से हाँ होती है तो हम बच्ची का कुछ चिंता नहीं रहती है दिमाग में, तो आप मंगल है तो उसकी वजह से दिक्कत है या कारण?
और दूसरा कैरियर में ये क्या बाहर ही जॉब करेगी क्या? हाँ जी, ये इसका इसका जॉब बाहर होगा और ये मांगलिक लड़की है, मांगलिक ही बच्चा देखना पड़ेगा। नंबर दो बात कि ये बच्ची बड़ी भाग्यशाली बच्ची है, ये दो बहन भाई होते हैं, इनकी शादी का विवाह का संयोग जो बनेगा वो इसी साल में अक्टूबर के बाद में जाकर के संयोग बनेगा। वैसे शादी इसकी 2025 में होगी अप्रैल के बाद। इनको नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए आप कहिए, अवश्य लाभ होगा, बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। बोलिए, अपना सवाल बताइए। गुरु जी, जो आपने बताया गंगा जल गौमूत्र वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी अड़चन बहुत आ रही है, क्या कुछ काम नहीं हो रहा मेरा? नहीं, गूगल धूपी करिए आप शाम के टाइम, संध्या को गूगल धूपी करिए। हाँ कर रहा हूँ गुरु जी, जो टाइम आप जो बता रहे हो इसके अतिरिक्त अभी 4-5 दिन हो गए, थोड़ी परेशानी ज्यादा हो रही है गुरु जी। तो फिर ऐसा करना कि अपने घर में पानी में नमक डाल के नमक के पानी का पोछा भी लगाना शुरू करें, गुरुवार शुक्रवार शनिवार को मत लगाइएगा। और इसके अतिरिक्त यदि आप कर सकते हैं तो नीम के पत्ते जो हैं उनको छाया में सुखा करके और संध्या को जला करके धुआं करें घर में, शनिवार के शनिवार 7 शनिवार कर दे, में ये सारी नकारात्मकता दूर होगी जी। जी, इसी के साथ अगले कॉलर पे जा रहे हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, हाँ जी, बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से सुरेंद्र। अच्छा जी, आपके राम राम। राम राम जी। और मैं ये पूछता हूँ कि ये इनके शिव जी का परिवार है या किसान कौन की तरफ, और बालाजी बैठे हैं और दक्षिण पूर्व की तरफ काना जी को बिठा दिया है, तो इनकी एक साथ पूजा कर सकते हैं क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये सही बात है कि भगवान शिव का जो आसन होता है, शिव पुराण में ईशान को ही शिव का एक रूप का पहलू बताया गया है। शिव पुराण में कहा है कि ईशान बुद्धिमान लोगों का ज्ञान, लोगों को ज्ञान और धन प्रदान करने वाला होता है, जबकि बुरे काम करने के लिए व्यक्ति को बहुत मन लगता है और वो मन यहाँ से ईशान कोण में आने पर हट जाता है। इसे ईशान कोण में भगवान की पूजा करनी चाहिए और ईशान को शिव का रूप ही मानते हैं। जो कान वाणी धनी और साथ साथ व्यक्तित्व आत्मा प्रगति की शोभा है तो वो ईशान कोण है। ईशान कोण में भगवान शिव का पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उनका ईशान ही उनका स्वरूप ही बने आप जी। जी, इसी के साथ अगले कॉलर पे जा रहे हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आप तक आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अगले कॉलर पे जा रहे हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो जी, बोलिए, आप आवाज मिल रही है आपकी। उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे जुड़ने की एक बार फिर से। अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। बेटे के बारे में पूछना था, अमित कुमार खोलवा जी, 29 अगस्त 1993 जी, 29 अगस्त 1993, हाँ समय शहर बताइए, सायकाल 6:05 निम्बाड़ा राजस्थान, केरियर के बारे में पूछना था, जॉब कब लगेगी जॉब? देखिए,
शाम को 6:05। ये सही बात है कि इन्होंने मकर लग्न में जन्म लिया है। राहु की महादशा चल रही है और चंद्रमा का अंतर है। राहु इनका लाभ घर में बैठा हुआ है, यानी 11वें घर में बैठा हुआ है। और राहु मुख्य तौर पर बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों की स्थिति में इनको दिखा रहा है, लेकिन राहु इनका नीच का है और यहाँ शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी लाता है। तो निश्चित रूप से इनका शुभ मंगल कार्य थोड़ा देरी से होता है और वो 2025 में संभव होगा। आप इसके लिए बिल्कुल नहीं डरें। आप कृपा करके बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देने के लिए कहें। प्रति बुधवार को हरा चारा देने के लिए कहिए, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामना है जी। तो इसी के साथ अब वक्त हो गया है आचार्य जी राशिफल का। आज का दिन दर्शकों का कैसे जाने वाला है ये भी जान लेते हैं। भाई हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए आप करियर में जिस पद पर चल रहे हैं वहां विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा प्रयास करना चाहिए क्योंकि आज आप उन्हों के अनुरूप आपको फल मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। आज का लकी नंबर 8 है। आज का लकी रंग केसरिया है। आज का उपाय, आप सूर्य को प्रणाम करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। भाई इसी क्रम में हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के। वो भी काम हाथ में आप ले रहे हैं, उसे पूरा करना आपका धर्म बनता है और तभी आपको लाभ। व्यापार करने वाले कुछ लोगों को कंपनी का लक्ष्य पूरा करने के लिए सम्मानित आज कहीं होने का अवसर मिलेगा। आज का लकी नंबर 5 है। आज का लकी रंग क्रीम है। और आज का उपाय, भगवान सूर्य को गुड़हल का फूल अर्पण करें, आपको बहुत लाभ होगा। भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शक। पूर्ण कार्य स्वीकार करेंगे व्यापारी, अपने सामान की बिक्री के लिए अपने व्यापार का प्रचार करवाएंगे। रिश्तेदारों के साथ एक छोटी यात्रा व्यस्त देने वाली रहेगी। दैनिक कम से कुछ आज आपको राहत मिलेगी। आज का लकी नंबर 4 है। आज का लकी रंग चॉकलेट। आज का उपाय, भगवा कर के माल अपने पास रखें, आपको बहुत लाभ। और भाई अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कर्क राशि वाले लोगों की। कर्मचारियों होने पर बहुत पछतावा रहने वाला है। व्यापार में कुछ नया करने की योजना आज आप बनाएंगे। आज का लकी नंबर 6 है। आज का लकी रंग सफेद है। आज का उपाय, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करें और सूर्य को जल अर्पण करें, आपको बहुत लाभ। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सप्तर्ष। आज आप अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए नहीं मैं लेकिन कभी ये सब करना पड़ता है जो आपको आज व्यवसायिक स्तर पर करना पड़ता है, लेकिन आगे जाकर के बहुत लाभ होने वाला है। आज का लकी नंबर 7 है। आज का लकी रंग भगवा है। आज का उपाय, सूर्योदय से पहले आप जग में मिश्री मिला करके भगवान को जल अर्पण करें, आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों की। कन्या राशि के जातकों को आज जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आज आपको पारिवारिक समस्याओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। समय पर समाधान घर में खुशहाली लाएगा। आज का लकी नंबर 3 है। आज का लकी रंग मिल सकता है। आज का उपाय, गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करें, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शक। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत ठीक है क्योंकि वे सफलतापूर्वक नए अनुबंध आज करेंगे।
आज आपके यहाँ महंगे आभूषण या घरेलू खरीदे जाएंगे। छात्र छात्राएं आज कंप्यूटर पर कोई नया परीक्षा अवश्य देने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आज का लकी नंबर तो है और आज का लकी नंबर सुना रहा है। आज का उपाय भगवान शिव का अभिषेक करें, आपके बहुत लाभ बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। जिस चीज का आप व्यवसाय करते हैं उसमें आज आप गति देखेंगे। परिवार के सदस्य आपके जीवन में विशेष स्थान रखते हैं, इससे उन्हें सम्मान दें। आज का लकी नंबर 1 है, आज का लकी नंबर 11 लाल है। अर्घ पुष्प पानी में डालकर के भगवान शिव को बड़े भाव से अर्पण करें, आपको लाभ होगा। बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आप किसी को भी आपके ऊपर हावी ना होने दें। माता पिता की उपेक्षा परिवार की खुशियां आज खराब कर सकती है। परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित तरीके से चल रही है, उस पर और ध्यान दें, क्योंकि आपके विवेक से उम्मीद के मुताबिक आज आपको आर्थिक लाभ होने का संदेह नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरी तरह निराश भी नहीं करेंगे। आज का लकी नंबर 9 है, आज का लकी रंग सफेद है। आज का उपाय मदार की सूखी लकड़ी अपनी जेब में रखें, आपको लाभ होगा। तब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों। यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो आज ही प्रयास करें। आपके माता पिता अपने मार्गदर्शन में नई योजनाओं और परियोजनाओं में आपकी बहुत मदद करेंगे। पढ़ाई करने वाले छात्रों को सही दिशा में पढ़ना चाहिए। आज का लकी नंबर 7 है, आज का लकी रंग भूरा है। आज का उपाय सूर्य के 12 नामों का जप करें, आपको लाभ हो। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों। आज आप अपनी सभी व्यावसायिक उलझनों को दूर करने में सफल रहेंगे। परिवार के सदस्य आपके दिन को खुशनुमा बना देंगे, क्योंकि वह शाम के लिए कुछ रोमांचक योजना शुरू कर देंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र स्पीड टेस्ट आज सफलता प्राप्त करेंगे। आज का लकी नंबर 15 है, आज का लकी रंग गहरा हरा है। आज का उपाय कनक धारा स्रोत की बात करें, आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों। नई परियोजनाओं पर आपको फोकस करने की संभावना आज बनती है, वो आज आपके लिए सक्षम भी बनाएंगे। बच्चे को रोमांचक समाचार दे सकते हैं। आप अपनी परीक्षा बहुत ही एकाग्र होकर के ने तभी सफलता संभव होती है। आज का लकी नंबर 7 है, आज का लकी रंग केसरिया है। आज का उपाय रोली गुड़हल का फूल अक्षत डालकर सूर्य को मन में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अर्घ दें, आपको बहुत लाभ होगा। इस प्रकार से यह है आज का अपना राशि फल। जी, तो आज का विषय भी बहुत खास था और आचार्य ने आपको समाधान भी बताया और राशि फल भी जाना। इसी के साथ आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ उम्मीद करते हैं कि मिश्रा की तरह आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्य फल। नमस्कार।